रुख कर लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये मिल रही है कि दोहा कतर में तालिबान अफगान अमन मुआहदे के लिए पूरी तरह से स्टेज तैयार किया जा चुका है। अफगानिस्तान में तो तालिबान की हरकतें रही हैं, जो जंग का पूरा 18-20 साल का सफ़र रहा है। मुमकिन है कि अब इस सफ़र का खात्मा हो, चूंकि अमेरिका तालिबान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के लिए दोहा में हतमी इंतजाम किए जा चुके हैं। आज यानी 29 फरवरी को इस मुआहदे पर दस्तखत होंगे। इस तारीखी तकरीब में अमेरिका के आला अहदेदार, तालिबान के मुजाकरातकार और मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। कतर के दारुलहुकूमत दोहा में ही अमेरिका और तालिबान के मुजाकरातकारों ने मुतअद्दिद मरतबा बातचीत की थी। गुज़श्ता साल अगस्त में दोनों फरीक एक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर में अफगानिस्तान में अस्करीत पसंदों की जानिब से अमेरिकी फौजियों पर हमले के बाद मुजाकरात रोक दिए थे। लेकिन अब जो खबर मिल पा रही है कि आज शाम मुमकिन है, आज शाम दोहा के कतर में जो ये प्रोग्राम ये तकरीब मुनाकिद की जा रही है, उसमें अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएं। आपको बता दें कि कतर में जो हिंदुस्तान के सफीर हैं पी कुमारन, वो हिंदुस्तान की तरफ से इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तो कुल मिलाकर 18-20 सालों के जंग का ये सफ़र आज ख़त्म हो सकता है इस दस्तखत के साथ ही। इस वक्त की दो खबर आपको और बड़ी बता दूं आलमी खबरों में से। एक तो मुहियुद्दीन यासीन, जो मलेशिया के अगले वजीरे आजम के लिए नामजद हो गए हैं। महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद मुहियुद्दीन यासीन ये मलेशिया के अगले वजीरे आजम होंगे। दूसरी खबर यह भी कि आसियान समिट जो 14 मार्च को होने वाला था, उसको अमेरिका ने मनसूख कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस का कहर अभी जारी है और अब तक के 2,900 लोग इस वायरस से मौत की मुंह में जा चुके हैं और 85,000 लोग अभी भी इस वायरस के शिकार हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी इंतजामिया, ट्रंप इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि आसियान समिट जो मार्च 14 से होने वाला था उसको मनसूख कर दिया।